आज का हमारा टॉपिक है पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट वाटर कलर टेक्निक। ठीक है, अगर हम पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं तो उसमें वाटर कलर किस तरह अप्लाई किए जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा आज। ओके, जैसे कि मैंने सबसे पहले क्या किया है कि ड्राइंग की उस पोर्ट्रेट की। ठीक है, पोर्ट्रेट की ड्राइंग करने के बाद क्या है, थोड़ा इरेज मैंने उस लाइनों को कर दिया है जिससे कि ज़्यादा हाईलाइट ना हो। ठीक है, वाटर कलर लगने के बाद क्या है कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहती हैं तो वो लाइनें ना दिखाई दे, इस वजह से मैंने क्या किया है इरेज कर दिया था। ओके, उसके बाद क्या किया है कि पूरे पार्ट पे मैंने पूरे फेस पे येलो कलर लाइट के जो लाइट कलर की टोन होती है, अदरवाइज कोई भी कलर की टोन हो ठीक है, उसे क्या किया पहले लाइट कलर लगाया जाता है, उसी मैंने क्या किया है कि इसमें पहले येलो कलर लगाया। ओके, उसके बाद मैंने ये और स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आईज से मैंने स्टार्ट किया। ओके आईब्रो हो या हमारे हेयर, ठीक है, इसमें कभी वाटर कलर टेक्निक में क्या है प्योर ब्लैक कलर नहीं किया जाता। ठीक है, उसमें क्या है कि P3 या 4 कलर का यूज़ होता है, जैसे कि अगर हमें ब्लैक कलर का इफेक्ट लेना है तो रेड और ब्लू, पर्सन ब्लू और ग्रीन, ठीक, इन तीन कलर का क्या है मिक्स करना पड़ा है। लाइट के लिए हमें जो कलर दे चाहे येलो तो उसको मिक्स कर सकते हैं। ओके, ठीक है, जितना पार्ट चला उसको मैं कंप्लीट करते जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा ही फेस में करता जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि 3 टोन लगाई जाती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लाइट टू डार्क, पहले लाइट फिर उससे डार्क फिर उससे डार्क। ठीक है, अगर हम इसका उल्टा कर देंगे डायरेक्ट उस पर हमने डार्क कलर लगा दिया तो हम उस पर लाइट नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कलर ये कलर कभी एक दूसरे से क्या है दबते नहीं है। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट रहता है, इसलिए क्या है पहले लाइट लगाया जाता है फिर उससे डार्क लगाया जाता है। पहले क्या है ब्रश से मैं ड्राइंग को निकाल लेता हूँ जिससे कि उससे क्या है कि ड्राइंग गड़बड़ होने का डर नहीं रहता। वाटर कलर अगर हमें करने हैं उसके लिए क्या है कि पेपर अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या पेपर आते हैं, जैसे कि आइवरी शीट हुआ, कांटे शीट हुआ, और भी हैं जैसे कि हैंडमेड शीट हुआ। ये इस समय जो मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ ये क्या है कार्टेज पेपर है, अधिकांश क्या है कि कार्टेज पेपर की ही फाइलें आती हैं ठीक है स्टूडेंट के लिए, तो उसी पे क्या है वाटर कलर में आपको बता रहा हूँ। ये सेकेंड आइस में कर रहा हूँ, इसमें क्या है कि इसमें भी पहले मैं लाइट कलर लगा यूज कर रहा हूँ। ओके, ये ठीक, ये मैंने हल्का पर्पल कलर की टोन यहाँ पे लगाई। ठीक है, ये अब करते क्या है कि जब हम फर्स्ट टोन लगाते हैं तो उसे थोड़ा रेस्ट दिया जाता है जिससे कि वो सूख जाए। सूखने के बाद हम उस पर क्या है कि सेकंड टोन हम उस पर लगाएंगे, सेकंड टोन लगाएंगे, फिर सेकंड टोन लगाने के बाद फिर हम उसको रेस्ट देंगे, उसके बाद क्या है फिर थर्ड टोन लगाएंगे। इस तरह से क्या थोड़ा रेस्ट दिया जाता है, ऐसा नहीं कि तुम अभी फर्स्ट टोन लगाई फिर जस्ट उसके बाद हमने सेकंड टोन लगा दी, जस्ट उसके बाद थर्ड टोन लगा दिया, ऐसे क्या है पेपर भी ख़राब हो जाता है, पेपर जलने लगता है, उसे क्या है इसलिए रेस्ट दिया जाता है, क्या कि टाइम दिया जाता है कि पेपर एग्जर्व कर लेता है, क्या सोख लेता है।
आईज मेरी लगभग क्या कंप्लीट हो गई। मैं एक एक पार्ट लेके चल रहा हूँ, पहले मैंने आईज ली थी नोज, और अब क्या है कि मैं शेविंग इसकी शेविंग कर रहा हूँ। शेविंग में देखो मैं प्योर ब्लैक कलर नहीं लगाऊंगा और लगाते भी नहीं चाहिए। कहीं जगह मैंने ग्रीन कलर का जो है कलर ग्रीन कलर की भी टोन मैंने लगाई है। मैं करता क्या हूँ, जैसे कि मैंने अभी पार्ट पे क्या है कलर लगाया, फिर क्या है कि उसको मैं छोड़ देता हूँ सेकेंड पार्ट में करने का, क्योंकि जब तक वो शूट करने तब तक नहीं करना सेकेंड पार्ट। अच्छे वाटर कलर में सबसे बड़ी बात होती है कलर को बनाना, कलर समझना, कलर देखना चीज़ें हैं तो उसको फिर बनाना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है ऐसा नज़रिया बनाने में। नोटिस कर पाए कि किस ऑब्जेक्ट में किस चीज़ में हमें कौन कौन से कलर दिख रहे हैं, सिंगल कलर बिल्कुल भी नहीं होता कि हाँ आप सिंगल कलर लगाओगे तो वो चीज़ बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये नीचे मैं गले का कलर लगा रहा हूँ, गले को फेस के नीचे मैं तब तक उसको छोड़ दिया, गीला ही फिर मैंने छोड़ दिया। वाटर कलर हमेशा ध्यान रखिए उसके लिए राउंड ब्रश ही यूज़ करना, ओके राउंड ब्रश ही यूज़ किए जाते हैं। अगर हम फ्लैट ब्रश करेंगे तो वो चीज़ नहीं आ पाएगी, कलर कर तो लेंगे लेकिन क्या है वो चीज़ नहीं आ पाएगी। जैसे जैसे मैं शेविंग करता जा रहा हूँ क्या है कि लगभग ऐसा लगने लगा जैसे कंप्लीट चीज़ें उतनी चीज़ क्लियर दिखने लगी, ओके। शर्ट है बहुत ज़्यादा नहीं बनाता क्योंकि पोर्ट्रेट में बहुत ज़्यादा, अगर हमें पोर्ट्रेट बनाना है तो उसमें पोर्ट्रेट ही का ही पार्ट लिया जाता है, नीचे नीचे का पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं लिया जाता, ज़्यादा ज़्यादा चेस्ट तक, ठीक है जी। हेयर में क्या है, पहले मैं लाइट कलर लगा रहा हूँ, ओके ये इसको सूखने के बाद मैं इस पर आप विजुअल आर्ट की कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट
क्या है कि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में काम नहीं किया है, सिर्फ डेप्थ में दिखा रहा हूँ, हेयर या शेविंग में ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं किया, सिर्फ डेप्थ के थ्रू मैंने चीज़ों को निकाला है। ज़्यादा मेरे पास टाइम भी नहीं रहता, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ कि क्लियरिटी। ओके, चलिए, थैंक यू, मुझे फॉलो करते रहना। ओके।